हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 28 अक्टूबर 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे प्राइवेट नौकरी, अगर आप भी करते हैं तो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है सभी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए, क्या हमें आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं इस दिवाली और धनतेरस त्योहार के मौके पर कई सारी कार बाइक मोटरसाइकिल वाली कंपनियां ऑफर भी दे रही है, किन किन चीजों पर क्या ऑफर मिल रहे हैं ये भी जानेंगे। पेटीएम का IPO भी आने वाला है, इस पर भी बड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कुछ और नई योजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। वहीं दोस्तों, कोरोना का माहौल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ये जो डेल्टा का अपडेटेड वेरिएंट आया ना, इसके चलते भारत में भी कई जगहों पर वापस लॉकडाउन लगा दिया गया और दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन की शुरुआत वापस हो चुकी है। बताऊंगा आपको पूरी कोरोना की डिटेल्स खबरें भी। इंडियन रेलवे को लेकर भी कुछ अपडेट है। मौसम समाचार भी जानेंगे। आज के सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स पर भी नजर डालेंगे। वहीं स्टूडेंट छात्र के लिए कुछ एग्जाम अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, आज की 50 बड़ी ही इम्पोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि उड़ान योजना का 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया है। और इस योजना में सरकार कुछ ऐसे तकनीकी मॉडल को एग्रीकल्चर यानी कि खेती में इस्तेमाल करने जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान कम होगा, उनकी आय बढ़ेगी। इस योजना के तहत हमारे देश में 53 एयरपोर्ट को कृषि उड़ान स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। अलग अलग समय में हब और स्पोक के मॉडल तैयार किए जाएंगे, यानी कि किसान भाई लोगों के लिए खेती के सामान की डिलीवरी अब और भी फास्ट हो सकेगी। जैसे कि किसानों को खेती के लिए खाद बीज वगैरह की कई बार कमी आ जाती है तो वो अब नहीं आएगी। कीटनाशक दवाइयां भी समय पर मिल पाएगी, तो इससे उनकी खेती में नुकसान नहीं होगा। कुछ ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, गवर्नमेंट इस तरह का भी प्लान बना रही है कि अब राशन की दुकानों पर भी आपको LPG सिलेंडर मिल जाएगा। आम जनता के लिए राहत की खबर है। अब आपको गैस सिलेंडर खरीदने के लिए किसी गैस एजेंसी पर ही जाना पड़े ऐसी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके नजदीकी सरकारी राशन की दुकान पर भी आप गैस सिलेंडर खरीद पाओगे। गवर्नमेंट ने इस तरह का प्रस्ताव भी दिया है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये सुविधाएं कब से देश भर में शुरू होती हैं। जब भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी रसोई गैस सिलेंडर महंगा भी हो सकता है आने वाले दिनों में, इस पर भी खबर आ रही है कि अगले सप्ताह से ही LPG सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। इसी महीने 6 अक्टूबर को भी रसोई गैस सिलेंडर पर 15 रुपए की रेट बढ़ी थी, और ऐसे में नेक्स्ट वीक में फिर से इसकी रेटें बढ़ सकती हैं, इस तरह का भी अपडेट आ रहा। और बाकी महंगाई को लेकर एक खबर ये भी देखिए, आपकी मिठास पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। त्योहारी सीजन में चीनी यानी कि शक्कर के दाम भी बढ़े हैं। पिछले 3 महीनों में 5 रुपए से भी ज्यादा शक्कर महंगी हो गई है। शुगर जो चाय मिठाइयां बनाने के लिए आती है ना वो। इसके अलावा देखिए दोस्तों, टाइड सर्फ और पेंटिन शैम्पू तक के दाम भी बढ़ चुके हैं। प्रोक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने अपने लगभग सभी उत्पादों के दामों पर 4-11% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें टाइड सर्फ, एरियल, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, पेंटिन, इन सभी की चीजों पर अब आपको दाम बढ़े हुए देखने को मिलेंगे या फिर इनकी क्वांटिटी कम देखने को मिलेगी सेम पैकेट में। वहीं आने वाले दिनों में अंडे के दाम भी बढ़ सकते हैं। अभी भी अचानक से अंडा महंगा हुआ, इसके पीछे कुछ वजह है। कारोबारियों का यह कहना है दोस्तों कि किसानों की लागत बढ़ गई और इसके कारण थोक बाजार में चिकन वगैरह की कीमत में 150 रुपए प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा रेटें पहुंच चुकी हैं। और इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में अंडा और महंगा हो सकता है, इसके पीछे वजह यह है कि अब सर्दियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो इसकी खपत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के चलते मार्केट में रेट बढ़ जाएगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए कि अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इस खास डिवाइस से होगी हर गाड़ी की पहचान। जी हाँ दोस्तों, अभी इतने दिन कोरोना काल चल रहा ना, उसके बाद से ट्रैफिक पुलिस को एक समस्या आ रही है कि कई लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं ना, तो उनको चेक भी नहीं कर सकती है पुलिस, क्योंकि कोरोना एक दूसरे से फैलने में संभावना रहती है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, राइट। लेकिन अब भारत की सड़कों पर आप शराब पीकर के गाड़ी चलाओगे ना, तो पुलिस आपको एक खास डिवाइस से पकड़ लेगी। क्योंकि दोस्तों, भारत की सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से आए दिन एक्सीडेंटल घटनाएं बढ़ती जा रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक खास डिवाइस अरेंज किया, और इसकी मदद से दूर से ही पता चल जाएगा कि कोई शराब पीकर गाड़ी तो नहीं चला रहा, और उसके बाद आप पर भारी भरकम जुर्माना भी हो सकता है। सो प्लीज बी अलर्ट और शराब पीकर कभी गाड़ी ना चलाएं। वहीं देखिए, देश के नाम एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है, और भारत के इस सफल परीक्षण के बाद चीन, पाकिस्तान सहित कई देश सकते में है। इस मिसाइल की 3 खासियत देखिए आप। मोबाइल लॉन्चर से लॉन्चिंग की सुविधा मिलती है इसमें। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना भी मुश्किल है, और यहाँ तक कि ये मिसाइल न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। और इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देशों में शामिल हो चुका है। 5000 किलोमीटर तक की लंबी दूरी पर अपने टारगेट को हिट कर पाना वाकई में भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, और इंडिया के लिए इसी मौके पर एक लाइक तो बनता है। जय हिंदुस्तान इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए सीधे बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, खेल रत्न पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया समेत 11 खिलाड़ी चुने गए, 35 को अर्जुन पुरस्कार भी मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में
भाला फेंक कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को इस साल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। नाम ध्यान में रखिएगा, आप करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भी कौन कौन से खिलाड़ियों को क्या अवार्ड मिलने जा रहे हैं, डिटेल्स आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल पे से अब आपको एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जी हाँ, अब जी पे के जरिए आप हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद पाएंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ गूगल पे ने एक साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप की है, और इसके तहत आप SBI का हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का प्लान है ना, वो गूगल पे से भी खरीद पाओगे। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान तो कर दिया, उसके बाद वो किसान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए भी अब सक्रिय होने जा रहे हैं, और इसके चलते वो आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे। किसान आंदोलन पर अमरिंदर का बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करूंगा और कृषि कानूनों पर चर्चा करके हल निकालेंगे। कैप्टन बोले कि नई पार्टी के नाम और सिंबल पर काम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नई पार्टी का ऐलान किया जाएगा और चुनाव देखकर अरूसा को मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने 4.5 साल में 92% तक वादे पूरे किए। वहीं दोस्तों, जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने ना चरणजीत चन्नी जी, उन्होंने कहा कि 7 नवंबर तक कृषि कानून खत्म नहीं हुए तो 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा भी रद्द कर देंगे। तो ये किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक मसला चल रहा है। इसी बीच आज से बीजेपी का भी हल्ला बोल आंदोलन शुरू होने जा रहा। हर ब्लॉक पर गहलोत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 77 बड़े नेता इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। राजस्थान में अब आपको ये राजनीतिक माहौल भी देखने मिलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को ये आदेश दिया कि अब वो एयर इंडिया से ही यात्रा करेंगे। वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा को दिवाली से पहले 144 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, मेडिकल कॉलेजों का तोहफा भी मिला। कल ही योगी आदित्यनाथ गोंडा में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किए और भी कई नई योजनाओं का लोकार्पण किया, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगला अपडेट देखिए दोस्तों की, सस्ती विदेशी चाय ने बढ़ाई देसी चाय बागान मालिकों की परेशानी। आयात होने वाली चाय के लिए मिनिमम प्राइस की मांग भी की जा रही है अब सरकार से। भारतीय चाय संघ ने, जो चाय मतलब विदेशों से भारत में आती है ना, उसके लिए एक मिनिमम फिक्स प्राइस रखने की मांग की है। अब देखते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए बड़ी खबर की, पेटीएम का IPO 8 नवंबर से खुलने जा रहा। IPO की प्राइस 2080 से लेकर 2150 रुपए तक तय हो सकती है, और 18 नवंबर तक IPO के जरिए पेटीएम शेयर लिस्टिंग में भी शामिल हो सकती है, क्योंकि सेबी से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 1 नवंबर से पॉलिसी बाजार का भी IPO शुरू होने जा रहा। इसका प्राइस बैंड 940 से 980 रुपए प्रति शेयर तक रहेगा, है ना। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते तो नवंबर में आपके पास कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत खबर को फैलाया जा रहा है कि महिलाओं के लिए शराब की अलग दुकानें खोलने का भी प्लान बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो मतलब इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है एक अखबार की कटिंग के साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वायरल खबर जो है ना, ये फर्जी है, ऐसा कोई भी प्लान गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जापान की कंपनी ने बनाई उड़ने वाली बाइक। हवा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये फ्लाइंग कर सकती है, और इस कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। यानी कि अब आप बाइक के जरिए सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि हवा में भी सफर कर पाओगे। 26 अक्टूबर से इसकी बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कंपनी ने फिलहाल इसके सिर्फ 200 फ्लाइंग बाइक के मॉडल बनाए। 1 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा में उड़ सकती है, और एक बार इसको फ्यूल फिलअप करने के बाद 40 मिनट तक उड़ाया जा सकता है। पेट्रोल से चलने वाला इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है, डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर में चिप की कमी के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जो कारों की सेमीकंडक्टर चिप की पूरी दुनिया में कमी चल रही ना, इसी बीच अब भारत है ना, वो चिप बनाने में कई सारी कंपनियों का सहयोग देगा, यानी कि इंटेल, क्वालकॉम, मीडियाटेक, इस तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों को भारत अब अनुसंधान एवं विकास के लिए योगदान करेगा, जिससे दुनिया भर में ये चिप की जो कमी चल रही, इसकी कमी भारत में दूर हो सके। अगली बड़ी खबर देखिए, नौकरी पैसा लोगों के लिए आई सबसे अच्छी खबर। ये रिपोर्ट पढ़कर आप भी खुश हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद जो आर्थिक गतिविधियों में कमी थी ना, वो अब धीरे धीरे वापस सुधर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अब रिकवरी हो रही है। देश की कॉरपोरेट कंपनियों में भी हायरिंग शुरू होने लगी है, और इससे देश में नौकरियों की बढ़ोतरी भी होती दिख रही है। इसी बीच दोस्तों, एक हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और उसमें इस बात का पता चला कि नए साल 2022 में कई सारी कंपनियां जो है बड़ी संख्या में लोगों को हायर करेगी, यानी कि जो लोग अभी बेरोजगार हैं और कई लोगों की कोरोना के चलते नौकरियां छूट गई हैं, तो उनको भी वापस रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी 58% तक जॉब के अवसर बढ़ेंगे। वहीं 2022 में एशिया महाद्वीप में भारत एक ऐसी कंट्री होगा दोस्तों,
देखूं जहां पर लोगों की सैलरी यानी कि तनख्वाह में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा, ये भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। वहीं देखिए हज यात्रा 2022 को लेकर खबर आ रही है कि 2 सालों के बाद हज यात्रा की अनुमति मिली है। नवंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल भी जमानत नहीं मिली थी और आज मुंबई हाईकोर्ट में एक बार फिर से दिन में 2:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि उनके 2 साथी आरोपियों को रिहा कर दिया गया, 50,000 रुपए के मचलके के ऊपर उनको जमानत मिल चुकी है। देखते हैं शाहरुख के बेटे आर्यन पर आज मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप, बिहार बोर्ड ने बढ़ाई मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख। अगले महीने में होगी सेंटअप परीक्षा और आज इसकी लास्ट डेट है, तो आप आज तक अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अपडेट देखिए इग्नू यूनिवर्सिटी को लेकर खबर है। इग्नू ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के रजिस्ट्रेशन की तारीख को भी बढ़ा दिया। इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब 31 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया गया। वहीं बिहार के सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में 16 नवंबर से नया सत्र भी शुरू होने जा रहा है, यानी कि न्यू एजुकेशन सेशन शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया। साथ ही अपडेट देखिए यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर खबर है। इसके एडमिशन कार्ड आप एनटीए के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एग्जाम 20 नवंबर से शुरू होगा जो 5 दिसंबर तक चलेगा। डाउनलोड करने की स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होने जा रही हैं। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर भी मिलेंगे, तो ये भी एमपी के लोगों के लिए एक राहत की बात है। साथ ही खबर देखिए छात्र छात्राओं के लिए एक काम की खबर है। यूपी के अंदर यूपीएससी पीएससी की कोचिंग के लिए आप 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये जो सरकारी स्कीम है ना, उसके तहत फ्री में कोचिंग के लिए। वहीं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है। अच्छा, हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों कि फोन पे की तरफ से 50 रुपए से ज्यादा के मोबाइल रिचार्ज करने पर जो चार्ज लगाया गया था ना, ट्रांजेक्शन शुल्क, उसके बाद फोन पे ने यूजर्स के लिए कहा कि मनी ट्रांसफर करने वालों को फायदा ये होगा कि उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि फोन पे से आप दूसरा कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, यूपीआई मनी ट्रांसफर, ऑफलाइन या ऑनलाइन पेमेंट करने पर किसी भी तरह का चार्ज आपसे नहीं वसूला जाएगा। ये सेवाएं यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री है और आगे भी भविष्य में बिल्कुल फ्री ही रहेगी, ये कहना है फोन पे का। इसके अलावा त्योहारी सीजन में फोन पे ने ये भी ऑफर निकाला है, देख सकते हैं आपकी गारंटी 10% कैशबैक ऑन सिल्वर एंड 5% कैशबैक ऑन गोल्ड। यानी कि फोन पे के जरिए अगर आप डिजिटली सोना या चांदी खरीदते हो ना, तब आपको 5-10% तक का कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है। अभी दिवाली के सीजन में फोन पे ने ये ऑफर निकाला है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, जियो ने भी दिवाली धमाका ऑफर का ऐलान कर दिया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले कि दीपावली के मौके पर जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन को लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कल भी आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया था, तो उसका लिंक मैं आपको इसके नीचे दे दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा। कारें वगैरह भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो दीपावली पर कई सारी कंपनियां ऑफर निकाले हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको दिन में इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। अलग अलग कारों कंपनियों की तरफ से ऑफर निकाला गया, मारुति सुजुकी इंडिया, हुंडई मोटर्स, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा कार्स वगैरह पर अलग अलग तरह के ऑफर्स हैं। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट भी आज 28 अक्टूबर से बिग दिवाली सेल शुरू करने जा रहा है। इसमें भी आपको कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाढ़, सूखा और चक्रवात का सबसे ज्यादा जोखिम है। हाल ही में वेदर इन्वायरमेंट को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसमें इस बात का पता चला दोस्तों कि ये जो भारत के राज्य है ना, इनमें बाढ़ का भी सबसे ज्यादा रिस्क है और सूखा पड़ने का भी सबसे ज्यादा रिस्क है और चक्रवात तूफान भी यहीं पर सबसे ज्यादा आते हैं। वहीं अब सर्दियों का सीजन भी शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग का यह कहना दोस्तों कि जल्द ही राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। यानी कि उत्तर भारत में अब तेज ठंड कड़ाके की सर्दी पड़ना भी शुरू हो जाएगी। वैसे अभी भी कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी है। संपूर्ण भारत का आज 28 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, वहीं दोस्तों पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर बड़ी खबर देखिए आप। 2 दिन की शांति के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल में उछाल देखा गया, यानी कि आज भी पेट्रोल और डीजल की रेटों में बढ़ोतरी हुई है। अभी कई जगहों पर राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में तो पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर के लगभग पहुंच चुका है। कुछ और शहरों की रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है। सोने में 244 रुपए की गिरावट के बाद अभी 46,747 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 654 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। अभी 1 किलो चांदी का रेट 63,489 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। अच्छा, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आप, गुजरात में अहमदाबाद में बुजुर्गों और दिव्यांगों का घर घर पर वैक्सीनेशन टीकाकरण हो रहा है। नगर निगम का कहना है कि अब तक हजारों लोगों को इस तरह से टीका लगाया गया और सरकार भी अब देश में इस तरह का अभियान शुरू करने जा रही है कि अगले महीने से हर घर दस्तक करके वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। बुधवार को ही देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह बात
की जानकारी दी। और इस अभियान के तहत लोगों को घर घर जाकर के टीका लगाएंगे हेल्थ वर्कर, ताकि मतलब अभी भी कई लोग जो कोरोना का टीका नहीं लगवाए हैं ना, उनका भी टीकाकरण का काम पूरा हो सके। वहीं देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के इस जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन लग चुका है। बिहार राज्य भी अलर्ट मोड पर है और केरल में भी 9000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में देखने को मिले। यानी कि अभी ये कोरोना का जो नया वेरिएंट आया ना, डेल्टा का भी अपडेटेड वेरिएंट, वो अब एक बार फिर से तबाही मचाना शुरू कर रहा है। देखिए दोस्तों, इस वेरिएंट के चलते कर्नाटक में भी इस नए वेरिएंट के 7 मामले मिले पिछले 24 घंटों में। इस महामारी से भारत में 500 से भी ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर है, 600-700 लोगों तक जान चली गई 24 घंटों में। चीन में भी देखिए, 3 राज्यों में फिर से लॉकडाउन लग चुका है और चीन अब 3 से 11 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका लगाना भी शुरू करने जा रहा है। वहीं चीन के अलावा वियतनाम में भी बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है और वियतनाम में स्कूलों को भी फिर से खोलने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो कोरोना का नया वेरिएंट आया ना, ये बहुत ही खतरनाक है और कई दोस्तों इस नए वेरिएंट की वजह से कोरोना की तीसरी लहर वापस नहीं आ जाए, इसलिए प्लीज आप सतर्कता बरतें, अभी त्योहारी सीजन चल रहा ना इस दरमियान। अगली बड़ी खबर देखिए आप, राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से नर्सरी से लेकर सभी क्लास के स्कूल खुल जाएंगे। छठ पूजा को भी दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर भी छठ का पर्व मना पाएंगे। डीडीएमए की गाइडलाइंस का आपको पूरा पालन करना पड़ेगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिन और रात के हिसाब से भी कोरोना की जांच का नतीजा बदल जाता है। वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाली जानकारी दी है कोरोना वायरस को लेकर। अब एक नया सनसनीखेज मामला सामने आ रहा और वो ये कि हाल ही में साइंस की एक स्टडी में इस तरह का दावा किया गया कि दिन और रात के हिसाब से कोरोना वायरस जो है ना, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। ये रिसर्च अमेरिका के वांडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में हुई है और उसमें कहा गया दोस्तों कि कोरोना वायरस समय और व्यक्ति के बॉडी क्लॉक के हिसाब से अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। यानी कि ये वायरस आपको पता होगा, कई बार तो अपने वेरिएंट बदल चुका है। डेल्टा से पहले भी कई वेरिएंट इसके हमें देखने को मिले और अब ये एक नई रिसर्च वाकई में मतलब कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा हार्मफुल और खतरनाक है और इसका कितना हद तक म्यूटेशन हो सकता है, इवोल्यूट हो सकता है, ये इस बात का आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस बात है ये, हल्के में मत लेना इसको। जितना इससे बचकर रहो ना, उतना ही ज्यादा बेहतर है। वहीं देखिए दोस्तों, पहली खुराक ले चुके 11 करोड़ लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि डोर टू डोर अभियान देश भर में शुरू किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा भारत के लिए भी एक अच्छी खबर ये आ रही है कि अगले महीने से बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो सकता है। जल्द ही इस तरह के दिशा निर्देश भी जारी हो जाएंगे, मीडिया रिपोर्ट में बात का पता चला है। वहीं राजधानी दिल्ली में सरकार ने यह भी नियम बना दिया कि जिन सरकारी कर्मचारियों को अगर 15 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगेगी ना, उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के कई सरकारी डिपार्टमेंट्स ने इसको लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया, यानी कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाना जरूरी हो गया। वहीं दोस्तों, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 16000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 700 से भी ज्यादा लोगों की भारत में मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 1.5 लाख के लगभग चल रही है, 1.54 के आसपास। ओके, तो ये तो रहे आज के ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अफगान के शरणार्थियों पर नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने उनको शरण देने से रोक लगा दी, यानी कि अफगानिस्तान के जो शरणार्थी लोग बाग है वो नेपाल में नहीं आ सकेंगे। वहीं देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को करेंगे केदारनाथ का दौरा। एक महीने के अंदर ही दूसरे दौरे को लेकर बीजेपी इसकी तैयारियों में जुट चुकी है। अच्छा, हरियाणा की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी सुविधा के लिए हिसार बस स्टैंड से परीक्षा केंद्रों तक रोडवेज की 10 बसों को लगाया गया, इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल में भी पटाखों पर रोक लग चुकी है। दीपावली और छठ पर केवल 2 घंटे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। आपको बताओगे, राजधानी दिल्ली सरकार ने पहले से इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया पटाखों पर। इसके अलावा भी कई राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग फैसले लिए गए। राजस्थान में भी ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई है। वहीं देखिए, बिहार सरकार का कहना है कि दिल्ली में जो रह रहे बिहारी लोग हैं ना, उनके लिए जन संवाद होगा, जमीन से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी इस संवाद में दी जाएगी, डिटेल्स देखिए। वहीं अपडेट देखिए दोस्तों, रेलवे ने इन 20 ट्रेनों को 3 महीने के लिए कैंसिल कर दिया। अब इनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई सारी ट्रेनें जो मार्च 2022 तक भी कैंसिल रहेगी। वहीं दोस्तों, इंडियन रेलवे को लेकर और एक अपडेट ये भी आ रहा है कि उत्तर रेलवे ने चलाई 7 और त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियां भी, यानी कि कुछ स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी की है, ताकि त्योहारों में लोग बागों का इधर उधर आना जाना बना रहे ना, तो ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, है ना। अच्छा, व्हाट्सएप पेमेंट की सर्विस में आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब पेमेंट करने के लिए आईडी प्रूफ भी देना पड़ेगा, यानी कि व्हाट्सएप पर केवाईसी वगैरह अपडेट जरूरी होगा। इस तरह का नया नियम भी व्हाट्सएप लेकर आ रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अब योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में 31 तारीख को प्रतिज्ञा रैली करने जा रही है। बड़ी संख्या में किसान भाई लोग भी इस रैली में पहुंचेंगे। साथ ही खबर देखिए, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा पोस्ट किया व्हाट्सएप पर और जिंदाबाद के नारे लगाए। यूपी में भी 7 लोगों पर ऐसा केस किया गया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बड़ा ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की जीत पर जो यूपी में जश्न मना रहे हैं, उन लोगों पर देशद्रोह का केस लगाया जाएगा। उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हाल ही में जो दोस्तों भारत पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, उसी को लेकर ये खबर है। वहीं बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी दौरा उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा। 29 को उत्तर प्रदेश में जाएंगे वो और 30 तारीख को उत्तराखंड में बीजेपी के तरफ से चुनावी तैयारियों को लेकर अनाउंसमेंट वगैरह भी करेंगे। इधर देखिए, इलेक्शन माहौल को देखते हुए जयंत चौधरी ने भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार आई तो किसान सम्मान निधि के रूप में 6 की जगह 12,000 रूपए कर दिए जाएंगे। ये राष्ट्रीय लोक दल की राजनीतिक पार्टी से है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर खबर देखिए दोस्तों, अमेजोन लेकर आ रही है क्लब हाउस जैसा ऐप जिसमें होस्ट को मिलेगा अपने रेडियो शो को डीजे बनाने का मौका। यानी कि आप अपने रेडियो शो में और भी ज्यादा म्यूजिकल इफेक्ट वगैरह डाल पाओगे लाइव रेडियो शो के दौरान। अमेजोन की तरफ से ऐसा ऐप बिलाया जा रहा। वही देखिए, आपके हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि मोतियाबिंद जो रोग होता ना, उसका दिल से कनेक्शन होता है। मोतियाबिंद से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और यहाँ तक कि इसकी सर्जरी कराने वालों में मौत का खतरा भी 36% तक बढ़ जाता है। मोतियाबिंद की बीमारी पर वैज्ञानिकों को रिसर्च में इस बात का पता चला है। वहीं दिवाली के मौके पर TVS वगैरह का स्कूटर बाइक अगर आप खरीदना चाहते तो 13,000 रूपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा सस्ती दर पर आपको फाइनेंस लोन वगैरह भी मिल जाएगा। अगला अपडेट देखिए, महिलाओं को लेकर एक रिसर्च हुई कि आखिर वर्क प्लेस पर महिलाएं कितनी सेफ हैं। यौन शोषण के बावजूद 68% महिलाएं जो हैं वो शिकायत ही नहीं कर पाती हैं। वहीं एक तिहाई महिलाओं को कानून की सही जानकारी भी नहीं है। एक रिसर्च में ये पता चला दोस्तों कि जो महिला कर्मचारी जॉब करती है ना, 88% महिला कर्मचारियों को जॉब के दौरान सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और ये एक बड़ी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। क्या दयनीय स्थिति चल रही है अभी भी इंसानियत को लेकर। आप देख सकते हैं कि एक महिला और एक पुरुष में कितना फर्क किया जाता है। समाज में वाकई में अभी भी बहुत गंदगी भरी पड़ी है, इसको बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है। इसी कड़ी में दोस्तों, यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिसको सरकार ने हाल ही में बनवाया था कुछ सालों पहले, वो भारत में कहाँ स्थित है, कहाँ बनवाया गया, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और गिफ्ट में आपको दिवाली मेगा गिव अवे के तहत मोबाइल फोन जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।